एक गांव में देवदत्त नाम का एक किसान रहता था। एक दिन देवदत्त जब अपने खेत की ओर जा रहा था तो रास्ते में किसी अजनबी ने उससे पूछा, सुनु भ्राता, यस्मिन् पात्रे अहम् नित्यं सर्पाय दुग्धं ददामि तस्मिन्नेव पात्रे प्रतिदिनं स्वर्णमुद्रा स्थापिता भवति, पश्यतु एषा स्वर्णमुद्रा ततः एव प्राप्ता। आश्चर्यं महदाश्चर्यं, सर्पदेवेन एतावती मुद्रा दत्ता? अये, इयं स्वर्णमुद्रा सर्पदेवेन दत्ता अस्ति, अनया मम दारिद्र्यं दूरी भविष्यति। नूनम् नूनम् दारिद्र्यम् अपगमिष्यति। साम्प्रतं गृहं गच्छामि, प्रतिदिनमेव मया सर्पाय दुग्धं प्रदीयते। साधु क्रियते भवद्भिः। सर्पस्य अनुकंपया मम पार्श्वे अनेकाः स्वर्णमुद्राः एकत्रीभूताः, साम्प्रतं मया ग्रामात् बहिः गन्तव्यम्। एवं करोमि, पुत्रं अस्मिन् कार्ये नियोजयामि। अस्तु, एवमेव करोतु। साधु। पुत्र पुत्र। आम, आगच्छामि। अहम् कतिपय दिवसेभ्यः बहिः गच्छामि, श्वः आरभ्य त्वं प्रतिदिनं क्षेत्रं गत्वा सर्पाय दुग्धं देहि। आम्, यथा आदिशसि तथैव करिष्यामि। साधु। पुत्र, साम्प्रतम् अहं गच्छामि। अहमपि पितेव सर्पाय दुग्धं ददामि, सर्पश्च मह्यं प्रतिदिनं स्वर्णमुद्रां ददाति। अहो, सर्पस्य सकाशे तु विशालः स्वर्णराशिः अस्ति, कथं न एनं हत्वा सर्वमपि स्वर्णराशिं सपदि हस्तगतं करोमि? अहो, इदानीं लगुडं गृह्णामि। अहो, इदानीं सर्पः नागतः, अद्य तु तं हत्वा सर्वमपि स्वर्णराशिं हस्तगतं करिष्यामि। आगतः सर्पः, एनं लगुड प्रहारेण हन्मि। न किमपि प्राप्तं, सर्वं नष्टम्। किसान के लालची बेटे ने सांप को डंडे से मारा। सांप तो बच गया, लेकिन सांप ने किसान के बेटे को डस लिया। प्यारे बच्चों, आपने सुना, लालच के कारण किसान का बेटा मारा गया, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। अतिलोभो न कर्तव्यः, लब्धं नैव परित्यजेत्। अतिलोभाभिभूतस्य नाशो भवति निश्चितम्, नाशो भवति निश्चितम्। लोभः नाशस्य कारणम्। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख
प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, धनश्री और गिरीश त्रिपाठी। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।